अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि यूरिक एसिड, गठिया, जोड़ों के दर्द, बैक पेन, बेहतरीन नुस्खा खास तौर पर यूरिक एसिड के लिए। अब जहाँ तक वजूहात होगी यूरिक एसिड की या उसके रीजन, उसका लेवल, इसके लिए मैं कल एक वीडियो बना दूंगा। फिर हर जिन लोगों को यूरिक एसिड है उनके लिए एक ऐसा नुस्खा जो कि बहुत अच्छा है, सिर्फ 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट नजर आएगा। और बहुत ही आम सा नुस्खा है, ये चीज़ें आपके किचन में भी अवेलेबल होती हैं, और ऐसा नहीं कि अगर आम नुस्खा है तो काम नहीं करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नुस्खे को एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। देसी नुस्खा है, कोई नुकसान नहीं है, और अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। आपने सिर्फ 4 चीज़ें लेनी है। एक सूखा पुदीना, इलायची, अदरक, अगर सूखा हुआ हो तो तब बहुत बेहतर है, जिसे रसोंड भी कहते हैं। उसके लिए आपको पंसार के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो अदरक घर में अवेलेबल होगा। और सौंफ, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। अब इसके दो तरीकाकार हैं। पहला तरीका तो बहुत आसान है, दोनों तरीके ही आसान है। पहले तरीके में ये है कि आपने इसको उबालना है। उबालने का तरीका ये है कि तकरीबन 8 गिलास पानी के लेने हैं, उसमें 1 चम्मच राइस स्पून यानी बड़ा चम्मच पुदीने का, खुश्क पुदीने का, अगर खुश्क मुयस्सर ना हो तो पत्तियाँ, 15-20 पत्तियाँ तोड़ के, और रसोंड उसको थोड़ा सा कूट लें, उसका 1 चम्मच, अगर अदरक हो तो 1 डली छोटी सी, तकरीबन 5 ग्राम के बराबर, 5 से 7 ग्राम, 10 ग्राम ले सकते हैं आप। अगर आप वैसे अगर आप ज़्यादा बेहतर तो ये कि सब चीज़ें अगर आप खुश्क ले रहे तो सब चीज़ें खुश्क ले, क्वांटिटी लेने में आसानी होगी। जैसे कि खुश्क पुदीना 1 चम्मच, रसोंड का पाउडर करके 1 चम्मच, पाउडर नहीं अगर मतलब थोड़ा सा उसे कूट के उसका 1 चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच, इलायची के 10 दाने, 10 से 12 दाने छोटी इलायची, इसको 8 गिलास पानी में डालें और उबालने के लिए रखें। तकरीबन जब उबलने के बाद 6 या 5 गिलास रह जाए, आप इसे छान कर यानी जो इसके अंदर चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह छान लें और एक बोतल में रख लें, और जब भी प्यास लगे आप इस पानी को पिए। 7 दिन तक इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन 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 फ़ायदा होगा। चाहे वो जोड़ों में दर्द हो रहा हो यूरिक एसिड की वजह से, यहाँ तक कि यूरिक एसिड की वजह से गठिया का प्रॉब्लम, किसी न किसी जोड़ों पर फर्क पड़ जाता है, जोड़ मुड़ जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन नुस्खा रहेगा। सिर्फ 7 दिन का टाइम मांग रहा हूँ आपसे, आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करके देखें, दुआओं में याद रखेंगे। देखिए, यूरिक एसिड की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे पेन की सूरत में, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, बैक पेन हो, आपको पाँव में दर्द हो, पाँव में सूजन हो, यानी यूरिक एसिड की जितनी भी अलामत हैं यूरिक एसिड के पेशेंट को, ये लाजमी तौर पर 7 दिन के अंदर फ़र्क देगा। अगर कोई और मामला है उसकी वजह से पेन है तो वो एक अलग इशू है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर किसी और को ज़रूरत है तो उसको भी मिले, इस सवाब में आप भी शरीक रहेंगे। वीडियो को लाइक करें ताकि ये प्रमोट हो सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।